हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग संविधान, ठीक है, पॉलिटी में संविधान से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1947, 1948, 1952 या 1956। तो और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जो चुनाव कराए गए थे संपन्न, ये था 1952 में, ठीक है, लोकसभा चुनाव। अगर इसकी बात की जाए कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1951 में और उसकी समाप्ति हुई थी फरवरी 1952 में, ठीक है। लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 17 अप्रैल 1952 में। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास में ये शक्ति होती है, ठीक है। और बात की जाए राज्यसभा से, ये तो बात हो गई थी लोकसभा में, अगर बात की जाए राज्यसभा से, तो राज्यसभा से ये 12 लोगों को, सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये होता है कि राज्यसभा के जो मेम्बर्स होते हैं उनके जो 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ये है, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है राज्यसभा का, ये होता है 6 वर्ष का, और इसको भंग नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो 14 दिनों तक, ठीक है। अगर लोकसभा से धन विधेयक पारित हो चुका है और राज्यसभा के पास गया है तो मैक्सिमम वो 14 दिनों तक उसको रोक सकता है, उसके बाद ये जो है रोक नहीं सकता है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, मैं ढेर सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से जो साहित्यकार हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, ये थे रामधारी सिंह दिनकर। इनको भारत का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, ठीक है। राष्ट्रकवि के नाम से किसको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे कौन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होता है, भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं। देखिए मैंने भी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल, ठीक है। 2 साल में एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के ये कितने कार्यकाल का होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, तो ये कितनी होती है, 30 वर्ष। अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये हो जाती है
25 वर्ष, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति की इच्छा पर या मंत्रिमंडल द्वारा। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11वें प्रश्न पर आते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार दो बार कौन रहा था? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री आर वेंकट रमन या वी गिरी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार दो बार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इनका टाइम पीरियड क्या था, 1952 से लेकर 1962 तक। उसके बाद ऐसा कब हुआ? उसके बाद हुआ था जब भारत के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2017 तक। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ध्यान से पढ़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? देखिए वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, ठीक है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे करते हैं? उपराष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये हो जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसके पास? आपके सामने चार ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को। और इस बारे में बताया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में ये बात बताई गई कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाने का अधिकार है, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ विवाद हो गया है तो किसकी सलाह ली जाती है? तो ये सलाह ली जाती है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 18 प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका सैलरी कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये हो जाएगा कितना, 5 लाख, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, ध्यान से पढ़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली बात आपको आर्टिकल याद रख लेना है किसके अंतर्गत पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसमें आर्टिकल भी ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आर्टिकल है 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या क्या कर सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ऐसा सिचुएशन आए कि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाए और राष्ट्रपति के को उस पर अधिकार होता है किस चीज़ का, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बट ये दोबारा नहीं कर सकता, ठीक है, एक ही बार ऐसा कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ठीक है,
चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।